आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक आपने मुझे गाते हुए देखा है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखा है और कहीं कहीं एक या दो जगह कॉमेडी भी मेरी आ चुकी है यूट्यूब पर। आज मैं कुछ अलग ये वीडियो बनाया हुआ हूँ, ये बालों के लिए है। सबको पता है आज के ज़माने में बालों के ऊपर हर वर्ष पूरे विश्व में अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। चाहे आप तेल की बात करें, शैम्पू की बात करें, दवाओं की बात करें, और इन उत्पादों को लेकर जो विज्ञापन आते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमें समझना पड़ेगा कि बालों के लिए आखिर क्या चल रहा है। ये भी एक कमाई का जरिया बन गया है, बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहा है, लोगों के सिर से बाल भी गायब होते जा रहे हैं, या कालापन तो बहुत जल्दी गायब हो जाता है और धीरे धीरे बाल भी गायब हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनेक किस्मों के हम तेल लगाना शुरू कर देते हैं। कहाँ से देखते हैं? विज्ञापन से। भाई वो हीरो लगा रहा है, वो हीरोइन लगा रही है, वो प्लेयर लगा रहा है, वो क्रिकेटर लगा रहा है, इतने ज़बरदस्त बाल हैं। विज्ञापन तो वो करेंगे क्योंकि उनका पैसा मिलता है उस चीज़ का। और हम कूद पड़ते हैं उस तेल को लगाने के लिए। हम देखते हैं धीरे 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 हमारे बालों की संख्या सिर से काफ़ी कम होती जाती है, और इसी के साथ साथ हम कई तरह के शैम्पू भी लगा लेते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि हमें शुद्ध हल्दी तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, तिल का तेल, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि ये सब तेल लगाने से हमारे बाल चिपक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी खूबसूरती कम हो जा रही है। हमें इस बात पे ध्यान नहीं जाता है कि जिस तेल और जिस शैम्पू के पीछे हम पड़ रहे हैं, आगे चलकर वो हमारी खूबसूरती का क्या हाल करेगा। अब तेल लगाया हमने, मार्केट का जो विज्ञापन में देखते हैं शैम्पू लगाया, अब उसके बाद और क्या बचता है लगाने के लिए? वो स्थिति आ जाती है कि हम वीक लगा लें या तो सिर पर चंद बाल उगा लें ताकि हम गंजा ना कहलाएं। तो बेसिकली गलती हम बचपन से या किशोरावस्था से करते हैं। बचपन में की गई गलती हमारे माता पिता समझा कर हमें सही रास्ते पर ला सकते हैं, लाते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, 13, 14, 15, 16, धीरे से हम कॉलेज में आए, तो उस समय तो बस एक जुनून रहता है कि हमारा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें ये तेल लगाना चाहिए, हमें वो शैम्पू लगाना चाहिए। और यहीं से हम बालों का सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। हमारे दादी दादा, नानी नाना कहते हैं, अरे भाई ये क्या हाल बना कर रखा है, ये देशी तेल, ये सरसों तेल, ये तिल तेल क्यों नहीं लगाते हो तुम, देखो बाल कितना रूखा हो गया। तो हमें उस समय उनकी बातें बहुत बेतुकी लगती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आती, हम चिढ़ जाते हैं और करते वही हैं जो हमें अच्छा लगता है।
देखिए, मैं आज अभी जो मेरा रनिंग ईयर है, 2 महीने बाद मैं 56 स्टार्ट हो जाएगा मुझे, लेकिन मेरे बाल देखिए, सिर पे ये देखिए, इधर से देखिए, ऐसा देखिए आप, ये लगता है लोग मेरे बाल से धोखा खा जाते हैं, मैंने विग लगाया हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कभी डाई नहीं किया और अभी भी मेरे पके हुए बालों की संख्या जो है 0.1%, 0.1% से भी कम है। अर्थात 1,000 बाल में एक बाल से अधिक किसी हालत में नहीं पके हुए हैं, इतने कम सफ़ेद हुए हैं मेरे बाल। तो जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक साधारण और गांव का, छोटे शहर का व्यक्ति, तो हर कोई कर सकता है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है हमको। तो मैंने क्या किया है, बचपन में देखता था मेरी दादी दादा ये लोग सिर पे खेत की मिट्टी लगाया करते थे बाल की सफाई के लिए, नहाने के पहले लगा लिए और उसके बाद आधा घंटा बैठ गए, फिर स्नान कर लिए। तो ये हैबिट मेरे अंदर बचपन से आई, मैं भी कभी कभी करने लगा वो चीज़ बचपन में ही, यानी बचपन अर्थात 10 साल 11 साल की उम्र से ही ऐसा कर रहा हूँ। फिर जब हाई स्कूल में आया, हम शहर में आ गए गांव छोड़ करके, तो शहर में वो फ्रीक्वेंसी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं माह में एक या दो बार ये प्रक्रिया जरूर कर लेता था। उसके बाद जब कॉलेज आए, प्लेस चेंज हुआ, तो मैं क्या करता था, गांव जा कर के थैला भर भर कर गांव की मिट्टी ले आया करता था, जिसमें कम कंकड़ पत्थर रहे, कम रेत रहे, थोड़ी सी काली रहती थी वो मिट्टी, वो ले आया करता था और सप्ताह में 2 बार लगाता था अपने बाल पर। मेरे साथी, मेरे मित्र कभी कभी हंसते थे मुझे, यार तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो और ये तुम्हारा ये देहातीपन नहीं छूट रहा है, भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा, देख लेना एक दिन झड़ेंगे तो तुम्हारे ही बाल, सफ़ेद होंगे तुम्हारे ही बाल, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। ये देखो, हम ये शैम्पू लाए, ये तेल लाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बताते थे, महंगे महंगे तेल, उस समय फल्ली तेल, सरसों तेल 10 रुपया से भी कम लीटर मिल जाता था, लेकिन वो लोग जो तेल लगाते थे वो समझ लीजिए 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ बीच के रहते थे उनका जो रेट है। मैं कहता था चलो देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो दिख ही जाएगा, ये सिर के बाल छुपाए छुपेंगे क्या। और जो मैं तेल मालिश करता था सिर पर, वो यही होते थे, फल्ली तेल, तिल तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, इसके सिवा और मैं कोई तेल नहीं लगाया। और ये तेल या तो मैं रात में सोने के समय लगाता था और कम से कम 10 मिनट मालिश करता था, या फिर सुबह नहाने के बाद गीले बाल में ही मैं तेल की मालिश कर लेता था। मालिश की सही प्रक्रिया यही है, और मालिश करने से निश्चित रूप से कुछ बाल तो झड़ते हैं, यदि 30-40 बाल झड़ गए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस 30-40 के बजाय 60-70 बाल आने तो गारंटी है आपके, यदि आप सही ढंग से दिनचर्या कर रहे हैं, खान पान सही, आपका सिस्टम आपने सही बना के रखा है, तो बालों को मालिश करने से कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। और मैं मिट्टी का ही प्रयोग करता रहा बाल की सफाई के लिए, साबुन या शैम्पू न के बराबर, शायद शायद मैं कहूँ तो साल में 10 या 12 बार ऐसा मैंने किया है अप टू कॉलेज लेवल। आज क्या करता हूँ मैं, इस एज में आकर जब मैं सर्विस में आया तो खुद का बनाया हुआ तेल
खुद से बनाई हुई शैम्पू मैं इस्तेमाल करने लगा। मेरे तेल में, मेरे शैम्पू में कोई खुशबू तो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो हम तेल खरीदते हैं या शैम्पू खरीदते हैं उसमें जो एक सुगंध रहती है वो कहाँ से आती है, वो केमिकल से आती है। तो मैं कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करता, इसलिए मेरे तेल शैम्पू में बदबू तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी लगने वाली उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। और यही कारण है कि ये मैं जो तेल या शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ इसको बताने से भी कोई करते नहीं हैं। मैंने बहुत लोग को बताया, अपने फ्रेंड सर्कल में बताया, अपने परिचितों में बताया, अपने घर परिवार में तो सबको पता ही है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम समझौता करें तो देखिए ये फसल क्या ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि आप 25-30 साल का युवक से तुलना करिए मेरे बालों को, तो इधर ही मेरे तरफ ही जाता हुआ दिखेगा आपका निर्णय। तो बेहतर होगा इस वीडियो को देखकर आप जरूर सोचिए इस बात पर, और यदि आप के बच्चे हैं जो 10-12 साल की एज में आ गए हैं तो उनको प्रॉपर गाइड करिए, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा ही आप लगे रहेंगे तो। अब आप कहेंगे खेत से काली मिट्टी हम कहाँ लाएं, तो देखिए जो चीज़ हम चाहते हैं किसी न किसी तरह से हम उसके लिए प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। यदि आपके शहर के बाहर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाहर खेत है तो निश्चित रूप से आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, मिट्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। और आप गूगल सर्च में देख लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनाने का या शैम्पू बनाने का तरीका, और यदि आप चाहें कि मैं कैसे करता हूँ, क्या मिलाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, तो आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो बालों की सुरक्षा के लिए आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा भी और बाल भी बचेगा, इस बात की गारंटी है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद, नमस्कार।